मध्य प्रदेश की जिला रीवा तहसील सिमरिया की ग्राम पंचायत में कागजों में तो विकास की गंगा बहा दी गई है, पर जमीनी स्तर पर देखा गया तो सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। पंचायतों में विकास के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। जिले की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में सरपंच और सचिव एवं रोजगार सहायक ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राम पंचायत विकास के लिए कई योजनाओं को चलाकर विकास की गंगा बहाने में लगे हैं। वहीं ग्राम पंचायत बराव के सचिव और सरपंच एवं रोजगार सहायक विकास को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बराव का सामने आया है, जहां पर कागजों पर तो विकास की गंगा बहा दी गई, पर जमीनी स्तर पर कुछ और ही नजारा दिखाई दिया। सड़क, मेड़ बंधान, तालाब निर्माण और अन्य कार्य पर पानी बहता दिखाई दे रहा है। पीसीसी करीब 200 मीटर सड़क निर्माण कराए जाने के बाद बाकी सड़क का निर्माण न होने से बराव के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि बराव मुख्य मार्ग से यह रोड कुल्लू प्रधानमंत्री रोड में मिल जाती है। 1.5 किलोमीटर के लगभग इतनी खराब की है कि लोग मोटरसाइकिल और साइकिल से नहीं जा सकते, यहाँ तक लोग पैदल नहीं चल सकते हैं, जबकि इसी रोड से बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ ही दूर में शासकीय विद्यालय है। तस्वीर के माध्यम से देख कर अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि इस विद्यालय में कई गाँव जुड़े हुए। अगर शुक्रवार छात्र या व्यक्ति को इस विद्यालय में जाना है, दूरी 2-3 किलोमीटर की है, लेकिन उस व्यक्ति को 20 किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। जबकि लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा एवं सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है, जरा इस रोड पर भी ध्यान दिया जाए। जी सर, क्या है कि ये रोड कई गांवों से जुड़ी हुई है। जी, आपके इधर बराव हो गया, चंदपुर है, पटना है, सुवार है ना, कई गांव, मतलब बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं, है ना। ये अपना इधर दिल्ली से भी आते हैं, तिलखन से भी लोग इधर अपना क्रॉस करते हैं, जाते हैं बीड़ा साइड, है ना। और स्कूल भी है अपना इधर, टर्री स्कूल है, बच्चे भी जाते हैं। कितने क्लास तक है स्कूल? ये 10वीं तक है। अच्छा, हाँ, तो इसमें जाने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को, है, जनता को भी परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, और इसमें निकलना मुश्किल है इस रास्ते से, है ना। ये बहुत दिनों से खराब है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं ध्यान दे रहा है। वो तो इधर अपने इधर अभी आते ही नहीं है। अच्छा अच्छा, आपके ये केपी त्रिपाठी जी भी आए थे इधर, तो कई वो गिना के चले गए, और जनार्दन सर भी जो आए थे, वो भी मतलब ये सब कई काम गिना के गए हैं कि ऐसा ऐसा काम करेंगे, फलाना है, ढिवाका है, और गांव का विकास कुछ भी नहीं करते हैं, फालतू बोल के बस चले जाते हैं। तो शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? शासन प्रशासन से यही मांग हो रही कि भाई रोड बनाएं और गांव का विकास करें और अच्छा काम करें।